नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सिवान से। सिवान में अब राजनीतिक दलों और समाज सेवियों के बाद पत्रकार भी जरूरतमंद गरीब असहाय के बीच खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे। सिवान के महाराजगंज में पत्रकार के सहयोग से खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार कैलाश कश्यप, प्रमोद रंजन, अभिषेक श्रीवास्तव, सुरेश कुमार, निरंजन कुमार सहित कई पत्रकार पहुंचे और सभी गरीब असहाय लोगों के बीच आटा, दाल, चावल, मसाला, तेल, नमक और मास्क का वितरण कराया। पत्रकारों ने अपील किया कि देश में सभी पत्रकारों को गरीब असहाय लोगों के बीच मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। दर्द साबित हुआ है। लॉकडाउन 2 के तहत बहुत घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, ये मददगार होगा। प्रेस क्लब द्वारा जो ये सामग्री दी गई है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत यहाँ के जो मजदूर हैं, जो ठेला घींचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गई है। इसमें प्रेस क्लब का यह योगदान उनके लिए रामबाण साबित होगा। दर्द के जो हाथ है, जो दुख की घड़ी में आज महामारी के जिस तरह से पैर पसारे हुए हैं, उसमें अगर हम किसी के काम आ सके तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी। और पत्रकार होते हुए भी, चूँकि हमारा ये काम नहीं था, हमारा काम, हम कलम के सिपाही हैं, हम कलम से समाज, हम समाज की आईना है, कलम की सिपाही हैं। ये काम जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अपना दायित्व को निभा रहे हैं। और सभी पत्रकारों ने सोचा कि क्यों नहीं हम भी, जो इस दुख की घड़ी में, क्यों नहीं किसी के घर में चूल्हा जलाने का काम करें। और इसी सोच के साथ सिवान प्रेस क्लब ने पूरे जिले में लगभग 7-8 प्रखंड हैं, सभी जगहों पे हम जाएंगे और इसी तरह से जो भी बन पड़ेगा, हम लोगों के बीच जो लाचार हैं, ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन आज बेचारे एक महीने का ये लॉकडाउन हो चुका है। अभी 3 तारीख तक एक लंबा समय अभी बाकी है, और जो जिनकी रोजी रोटी, रोज कमाना, रोज खाना का है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर हमारे वजह से उनके घर में 1 दिन का 2 दिन का चूल्हा जल जाता है, तो हम इसमें अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। है अगर उनके पास अगर कहीं चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो हम भी अपनी जो भूमिका है वो निभाएं। और प्रेस क्लब ने, सिवान के प्रेस क्लब ने इस भूमिका को निभाया है। हम लोग उसके सक्रिय सदस्य हैं। हम लोग कई दिन से मंथन कर रहे थे कि जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक हम पहुँचे, कम से कम एक स्वयंसाम का चूल्हा तो मेरे वजह से उनका जल सके। में है, उन्हें भोजन भी मैसर नहीं हो पा रहा है 2 वक्त का। तो इस लिहाज से हमने सिवान का जो प्रेस क्लब है, हमने एक बैठक की और ये निर्णय लिया कि अपनी सक्षमता के अनुसार हम जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। और आज इसी को अमली जमा देते हुए महाराजगंज अनुमंडल में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ जो स्थानीय गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनके बीच खाद्य सामग्री और राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ही इस सफल कार्य में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। आज हम लोग ये जो वितरण कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। अगर अपने घर में चूल्हा जले और पड़ोस के घर में चूल्हा ना जले, किसी का माँ, बेटी, बहन अगर बिना खाए सो जाती है, तो मेरा खाना सब बेकार है। मैं तमाम बिहार ही नहीं, पूरे भारत के तमाम पत्रकारों से भी आह्वान करता हूँ कि अपने स्तर से जितना संभव हो सके, अपने भाई का, अपने भाईचारे का, अपने देश का, अपने राज्य